लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई के रबाले इलाके में एक बेटी द्वारा सगी मां की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला हफ्ते भर पहले का है, जब कराटे बेल्ट से एक महिला की आत्महत्या की सूचना मिली थी। हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि महिला की हत्या हुई है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि सगी बेटी ने ही बार बार पढ़ाई का दबाव बनाने से तंग आकर मां का गला घोटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जोन 1 के DCP सुरेश मेघने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बेटी ने मां की हत्या करने के बाद सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश की ताकि सबको आत्महत्या लगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। रबाड़े पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 30 तारीख को एक एक्सीडेंटल डेथ दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन में, जिसमें शुरू से ही पुलिस को शक था कि इसमें कुछ वारदात हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें मर्डर का ऑफेंस दाखिल किया गया है। एक माँ को अपनी नाबालिग बेटी ने कराटे का बेल्ट का यूज़ करके उसका स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मार दिया है। उसका रीज़न जो है वो उसको पढ़ाई में उसकी मम्मी बहुत प्रेशर करती थी, पढ़ाई के बगैर कुछ करने नहीं देती थी, तो उसको नीट का भी क्लास लगाया था। उसको लगता था कि अपनी बेटी डॉक्टर बने, तो ताकि वो काफ़ी क्लेवर थी स्कूल में, 92 से ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर्स किए थे। बार बार मम्मी की जो स्टडी के वजह से बार बार झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े की वजह से उसकी परिणति 30 तारीख को हानामारी में हुई, और जिसमें वो लड़की ने अपनी माँ को नीचे दबोच लिया और बाजू में पड़ा हुआ जो बेल्ट है वो बेल्ट से उसको उसका गले को फांसी का फंदा लगा के उसको मार दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया। नाबालिग बच्ची को जब पूछताछ करने के बाद ये सारा मामला सामने आया है। मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि वो अपने बच्चों का भविष्य, उसका सपना सजाने के लिए अपना अपने खुद की तरफ से ज़्यादा कुछ बोझ ना डालना चाहिए। उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या पढ़ना है, और हमारा जो जनरेशन गैप है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के साथ हमने बर्ताव करना चाहिए, और उनको एज अ फ्रेंड बना के और उसको ज़्यादा समय दे के हम उसके साथ अगर रहें तो उनका भविष्य बन सकता है, और हमारी जिद के कारण हम अगर चलते रहे तो ऐसे दर्दनाक हादसे सामने आ सकते हैं। इसकी सोसाइटी में ऐसे हादसे जब होते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, उसका माइंड स्टेटस क्या होता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों के साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा दोस्ती बढ़ा के उनके उनको थोड़ा समय दे के और उनका भविष्य के बारे में उनकी खुद की भी क्या सोच है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, और हम हमारा ही बात अगर उनको उनको उतारने की कोशिश करें तो ऐसे दर्दनाक हादसे हो सकते हैं।